अच्छा, जब आप कभी किसी से सब्जी लेने जाते हैं या आप किसी भी मार्केट पे कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप क्या हैं? आप एक कंज्यूमर हैं, एंड दिस इज द माइंडसेट दैट यू शुड बी वर्किंग विद, कि आपने कंज्यूमर्स और यूजर्स को कैसे लेके आना है। कंज्यूमर्स और यूजर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और कंज्यूमर्स और यूजर्स क्या हैं एग्जैक्टली? इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल वर्डप्रेस एंटरप्रेन्योर, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल वर्डप्रेस फ्रीलांसर, और इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल वर्डप्रेस स्मार्ट वर्कर, तो आपको यूजर्स का पता होना चाहिए। इट इज वेरी क्रूशल फॉर यू टू नो कि मेरे यूजर्स कौन है, मेरे यूजर्स क्या हैं, और मेरे यूजर्स किधर किधर बैठे हैं। तो ये लव्ज यूजर्स आपको बार बार सुनने को मिलेगा। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एक सीएमएस इज ऑल अबाउट इट्स यूजर्स, वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट को या आपके कंटेंट को यूज करते हैं। जिधर भी आप ये लफ्ज कंटेंट सुनेंगे, यू विल हियर द वर्ड यूजर्स। व्हाई? बिकॉज पीपल लाइक कंटेंट। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमंस आर सोशल। They like to consume content, they like to see content, they are also very visual people and they like to hear what other people have to say. Humans like to discuss, humans like to see, humans like to hear. And that's why content management systems are all about content. But as much as they are about content, they are about users as well. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो एक कड़ी है वो है द कंटेंट, द मुद्दा। बट द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट या जो दूसरी इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है इसके यूजर्स, जिनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो दीज कंज्यूमर्स आर द यूजर्स ऑफ द कंटेंट। यूजर्स आर एवरीवेयर, हर जगह है यूजर्स, हर जगह फैले हुए हैं। पाकिस्तान में, यूके में, यूएस में, पूरी दुनिया में आपके यूजर्स बैठे हुए हैं आपसे बात करने के लिए। ना सिर्फ आपसे बात करने के लिए, बल्कि आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। यूजर्स आर सिटिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और आपको ये लगेगा कि मैं किस तरह एक यूएस में बैठे हुए बंदे को अपने कंटेंट से अट्रैक्ट कर सकता हूं। वेल माय फ्रेंड्स, पीपल हैव डन दैट। पीपल जस्ट लाइक योरसेल्फ, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, पीपल हु सॉ अपॉर्चुनिटीज ऑन द इंटरनेट, आई वॉज वन ऑफ देम। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ और जो वर्डप्रेस हीरोज हैं, कुछ ऐसे जिनसे आप मिलेंगे भी, ऑल ऑफ देम हैव डन दिस। इट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टू क्रिएट एन इको सिस्टम अराउंड योर सेल्फ जो कि यूजर्स पे डिपेंडेंट है, कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट है। बिकॉज जब यूजर्स आएंगे तब ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आपकी जिंदगी और बेहतर से बेहतर हो जाएगी, और जब आपकी जिंदगी बेहतर होगी तो आप अपने साथ अपने दोस्तों के सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, एंड टुगेदर वी विल क्रिएट अ न्यू इकोसिस्टम ऑफ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग टू टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल। करंटली पाकिस्तान रैंक्स एट जस्ट फोर्थ नंबर पे है दुनिया में फ्रीलांसिंग पे, बट यू एंड मी टुगेदर वी विल टेक इट टू नंबर 1। देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, एक जो कि अनरजिस्टर्ड है, ये वो यूजर्स हैं जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर किए बगैर आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर वो लोग जो कि रजिस्टर्ड है, ये वो लोग हैं जिनको आप अलाउ करते हैं कि आपकी साइट पे आए और आपकी साइट पे आके कंटेंट से रजिस्टर करवा के कंटेंट को यूज करें। रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, एक वो जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर किए बगैर कंटेंट को यूज कर रहे हैं, और दूसरा वो जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर करते हैं और फिर कंटेंट को यूज करते हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द रजिस्टर्ड यूजर्स। कौन है ये रजिस्टर्ड यूजर्स, कहाँ हैं, कैसे हैं? You can access these registered users from a section on WordPress dashboard में, left side पे एक section है जिसका नाम है users।
Users with roles other than administrator will see fewer options when they are logged in. तो अगर आप एडमिन हैं तब तो आप सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूजर रोल टाइप एडमिन नहीं है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू विल वर्क विद अदर पीपल जो कि आपकी साइट को मैनेज कर रहे होंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हु यूजर्स आर, व्हाट यूजर्स आर, व्हाट देयर रोल्स आर। डिपेंडिंग ऑन योर रोल यू कैन ऑल्सो एड न्यू यूजर्स एज वेल एज मैनेज रोल्स। वर्डप्रेस आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप रोल्स को मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक ड्रामे में रोल होता है, हर कोई एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह वर्डप्रेस में भी देयर आर रोल्स एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडमिन। स्क्रीन पे देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे डिफरेंट रोल्स मेक अप दिस थिंग कॉल्ड द यूजर पैनल ऑन वर्डप्रेस। एंड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन वो आपको लिंक्स भी नजर आ रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी यूजर रोल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सी थोड़ी बहुत ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज करते हुए अपने यूजर पैनल को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। वन ऑप्शन इज एडिट यूजर ऑप्शन। एडिट यूजर ऑप्शन से आप किसी भी यूजर को जाके एडिट कर सकते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन मच मोर डिटेल आगे जाके। आप यूजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। आप पूछेंगे मैं आखिर क्यों एक यूजर को डिलीट करना चाहूंगा। भाई हो सकता है आपकी कंपनी में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि आप सब एक कंपनी बनाएं और ग्रो करें और मुल्क का नाम रोशन करें, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हो सकता है आपने किसी राइटर को हायर किया हो और वो राइटर अब आपको छोड़ के चला गया, तो आप उनके रोल को डिलीट कर सकते हैं, बल्कि डिलीट करना चाहिए ताकि वो आपकी साइट को एक्सेस ना कर सकें वंस देयर कॉन्ट्रैक्ट हैव एक्सपायर्ड विद यू। सो व्हाट आर सम ऑफ द रोल टाइप्स। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माय वेबसाइट, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर वेबसाइट। जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करके बनाता है दैट पर्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटर, समबडी हु हैज एक्सेस टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स। देन देयर इज द एडिटर, और ये हम आपको रोल्स एक हायरार्की में बता रहे हैं। पहले था एडमिन, अब है एडिटर। एडिटर कौन होता है? एडिटर इज समवन हु कैन पब्लिश पोस्ट, हु कैन मैनेज पोस्ट, जो कि दूसरों की पोस्ट को मैनेज कर सकता है और पेजेस को मैनेज कर सकता है, उनको पब्लिश कर सकता है। जिस तरह अखबार का एक एडिटर होता है वैसे ही वर्डप्रेस गिव्स यू द ऑप्शन टू हैव एन एडिटर जो कि बाकियों के कॉन्टेंट को देख के एडिट भी कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है। फिर एक ऑप्शन है ऑथर की। ऑथर कौन है? ऑथर इज समवन who can write a new post and who can manage their own post. Phir contributor. Contributor kaun hai? Somebody who can write and manage their posts but not publish them. So contributor likh to sakta hai, lekin contributor publish nahi kar sakta. Contributor does not have the function or the option to publish. Phir a subscriber. Subscriber kya hai? Subscriber is somebody who can manage only their own profile. ना ये content लिख सकते हैं ना ये content manage कर सकते हैं। इनका काम है कि ये सिर्फ अपनी profile को देख सकते हैं। When WordPress is first installed, administrator account एक create होता है जिसपे सारी capabilities होती हैं। You are that administrator, just like I am the administrator of my website. और साथ ही साथ आपको एक image उस profile के साथ नजर आते हैं जिसको हम avatar भी कहते हैं। So you will get to hear this word avatar a lot. Avatar kya hai? Ispe ek movie bhi thi. An avatar is an image of a person. Aur aap is avatar ko change kar sakte hain by going to a website called Gravatars. Kyunki WordPress jo avatars use karta hai uska ek specific naam hai jisko WordPress ne diya with Gravatars. So aap Gravatar pe ja ke apni profile se koi ek image upload karein. Wohi image usi email pe आगे भी आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा। सो द वेबसाइट इज gravatar.com, गो एंड साइन अप। सो बात हो रही थी यूजर्स के बारे में। हम अब जाते हैं अपने यूजर्स पैनल पे और वहां पे हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं कि यूजर्स क्या हैं। अभी आपको जैसा नजर आ रहा है कि मेरी वेबसाइट पे यूजर्स हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ही हूं जो अभी तक अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था।
दैट डज नॉट मीन दैट पीपल आर नॉट विजिटिंग माई वेबसाइट. याद रखिएगा मैंने आपको दो फर्क बताए थे, एक यूजर्स वो जो रजिस्टर्ड हैं और एक यूजर्स वो जो नहीं रजिस्टर्ड. यहाँ पे आपको वही यूजर्स नजर आएंगे जो रजिस्टर्ड हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक यूजर है जो कि मैं हूँ. आपको एक एडिट का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, आपको व्यू की ऑप्शन भी नजर आ रहा है. मेरा इमेज है उसके ऊपर एक जेनेरिक इमेज लगा हुआ है बिकॉज आई हैव नॉट एडिड एन इमेज. इस लेसन में वी विल कीप इट टू दिस बिकॉज वी जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ बेसिक प्रीव्यू ऑफ द यूजर्स पैनल. इन द नेक्स्ट लेसन we will take you into a deep dive aur hum aapko user add karna sikhayenge. So that's it for now and I am here to change your life with WordPress. Stay with me as we embark on this journey of learning and changing Pakistan with WordPress.